जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखना कि यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इस बात को लिख लेना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्रोच आप समझ सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पैरेलल लाइन से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम ऐसे पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम पैरेलल लाइन से दिखा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हर एक लाइन एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है ये? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और ऐसे ही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या मान कर रखा है कि एक डाइपोल, और उस डाइपोल पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है हमको और टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब अगर हम डाइपोल बोल ही चुके हैं तो डाइपोल हमें समझ में भी आना चाहिए कि डाइपोल है क्या चीज। तो बेसिकली अगर हम कंसीडर करते हैं एक डाइपोल, तो किस चीज़ से मिलकर बना होता है एक डाइपोल? अगर हम कहें कि डाइपोल है हमारे पास, तो हम तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अपने पास एक प्लस चार्ज है और अपने पास एक माइनस चार्ज है। दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड तो सेम हैं बट डायरेक्शन डिफरेंट हैं। और इन दोनों चार्जेज को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इन एग्जैक्ट बोलूँ तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर रखते हैं। और इससे बना हुआ जो हमारा ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसको बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम स्मॉल ए मानकर चल रहे हैं। और इस अरेंजमेंट को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, लेकिन इस अरेंजमेंट से जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम बोलते हैं उसको हम स्मॉल पी से, या कैपिटल पी आप जिससे सहमत हो उससे रिप्रेजेंट करना, ये पी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू। इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज क्यू और इनके बीच की जो सेपरेशन है स्मॉल ए वेक्टर के साथ। और पी इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इंटू ए वेक्टर, या आप अगर मैग्नीट्यूड केवल लिखते हैं तो क्यू इंटू स्मॉल ए लिख लेना। और एक बात और बता दें बेटे, आप जब प्लस टू में पढ़े होंगे यानी कि ट्वेल्थ में जब आप पढ़े होंगे, तो P इज इक्वल टू हो सकता है जिस बुक को आप पढ़ रहे हो वो ऐसा प्रिफर करता हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू Q इंटू टू एल है, यानी कि वो जो स्मॉल सेपरेशन है इन दो चार्जेज के बीच का उसको 2L ले लिया है। लेकिन मैं 2L लेकर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा डिजिट आएगी उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन सब को लेके आपको टेंशन फैलेगा। तो उस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए हमने इस 2L को केवल स्मॉल a मान लिया। सो दैट्स वाई अपना जो मोमेंटम है, वो मोमेंट है यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो q इंटू स्मॉल a हो गया है। ये आप याद रखना, अपने दिमाग में रखना ये चीज़। तो अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि अपना ये डाइपोल है और जिसकी लेंथ हमने स्मॉल ए मान रखी है, कि ये इसकी लेंथ है जो स्मॉल ए है। और इस वाले पॉइंट पर एक चार्ज है अपना, और इस चार्ज को मैं मान रहा हूँ कि ये ए पॉइंट पर रखा हुआ है जो कि प्लस क्यू चार्ज है। और इस पॉइंट पर जो अपना चार्ज रखा हुआ है ये बी पॉइंट है, और जो चार्ज रखा हुआ है ये है माइनस क्यू, ये माइनस क्यू।
ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है और स्मॉल ए सेपरेशन पर रखा हुआ है और ये डाइपोल मोमेंट का मिड पॉइंट है जो कि स्मॉल ओ है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अपना ये डाइपोल है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों ऐड कर रखा है मैंने, बिकॉज ऑफ इट इज़ मेड बाई चार्ज। अगर ये चार्ज से मिलकर बना हुआ है तो चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ही होती है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब डाइपोल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इट हैज़ टू पोल, इसके पास दो पोल हैं इसलिए ये डाइपोल हो गया। और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर क्या होने वाला है, एक फोर्स लगने वाला है, जो कि हमें पता है कि प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इसी डायरेक्शन में लगता है। दैट्स वाई हेयर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज एफ इज इक्वल टू क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में लगेगा। बिकॉज अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो वी कैन राइट एच, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर केवल आप मैग्नीट्यूड लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को यहाँ शो कराया है, इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आप चाहें तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर हम फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज देखें ड्यू टू दिस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इस पर फोर्स देखें तो हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दैट्स वाई हेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट बी ऑफ द डाइपोल वो हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने फोर्स की वैल्यू यहाँ भी एफ रखी और यहाँ भी एफ रखी, फोर्स की वैल्यू को नहीं चेंज किया। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर फोर्स क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर फोर्स को अगर बदल सकता है तो केवल क्यू बदल सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड बदल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फोर्स की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब कि उस कह सकते हैं कि ये कब्जे से बाहर निकल गया फोर्स, तो अब केवल फोर्स को क्यों बदल सकता है। और क्यों मैंने पहले ही बोल दिया कि दो सेम एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस से मिलकर ही डाइपोल बनता है, तो इस तरीके से क्यू तो पहले ही कांस्टेंट हो गया और यूनिफॉर्म में बोलकर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर दिया। तो अब फोर्स मेरा क्या होगा, दोनों पोल चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें डाइपोल के, इन दोनों पर फोर्स हमारा क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, फोर्स चेंज नहीं हो सकता है। बट अगर चेंज हो सकता है तो केवल डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो प्लस क्यू ई जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जो माइनस क्यू ई है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं इनका अगर लाइन ऑफ एक्शन देखें, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ये है, और इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखें इस फोर्स का तो ये है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल तो हैं बट ये किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पैरेलल हो या कह सकते हैं मीट ना करे, एक दो जैसे क्या होता है कि ये एक पॉइंट पर इधर फोर्स लगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर हम ड्रॉ करें और किसी अगर मान लो कि इसी पॉइंट पर ये फोर्स ऐसा लगा ऐसा लगा, यानी कि किसी भी पॉइंट पर ऐसे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है और ऐसे इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर मैं कह दूं ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, और मैं कहूं कि ये सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हैं, ये सारी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हैं, अब सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हैं, एक ही पॉइंट पर आके मीट कर गए हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, मूव ही नहीं करेगा किसी डायरेक्शन में, इसका कुछ होने ही वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ हर एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही पॉइंट से मीट कर रहा है, तो फोर्स का इफेक्ट जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं बट अपोज ये फोर्सेस
इस पॉइंट पर लग रहे हैं, तो हम इतना समझ गए हैं कि अगर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है तो फिर ये वो फोर्सेस क्या करने वाले हैं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम क्या देखेंगे कि इसका मतलब ये जो हमारा डाइपोल है ये पॉइंट ओ के अलोंग रोटेशनल मोशन करने लगेगा। ये फोर्स इस वाले एंड को, डाइपोल के ए एंड को, ये लाना चाहेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंडीशन में लाना चाहेगा, इस कंडीशन में लाना चाहेगा, इस कंडीशन में लाना चाहेगा, ये इस कंडीशन में लाना चाहेगा कि इस कंडीशन में आ जाए ये ए वाला। और ये बी वाला जो है डाइपोल पर लगने वाला, डाइपोल के बी एंड पर ये फोर्स लगने वाला जो है, ये इसको इस कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा और ये इसको इस कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से डाइपोल क्या होगा, रोटेशनल मोशन करने लगेगा। अब रोटेशनल मोशन आपको अगर बताना पड़ जाए मुझे कि रोटेशनल मोशन क्या है तो फिर बड़ी शर्म की बात होगी, बट हमें इतना भरोसा है कि आपको मालूम है कि रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट पायोटेड पॉइंट, अबाउट अबाउट फिक्स्ड और पायोटेड पॉइंट, किसी फिक्स्ड या पायोटेड पॉइंट के अबाउट अगर मोशन हो जाए तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। लाइक एज हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ फैन, ये एक्स का रोटेशनल मोशन होता है, आप इतना समझ गए होंगे। या मैं अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि मोशन ऑफ व्हील, पहिए का जो मोशन होता है वो एक रोटेशनल मोशन होता है। लेकिन यहीं पर आपको एक और बात बता दूं, एक और मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात करें तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है, यानी कि प्लेस टू प्लेस वो चेंज करता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हो गया कि अ बॉडी चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करता रहे। तो यहाँ पर ये कौन सा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बन रहा है, क्योंकि हमारी जो हेडिंग है उस हेडिंग से अलग मुझे नहीं चलना है, कि हमें पहले फोर्स कैलकुलेट करना है इस डाइपोल के ऊपर और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम फोर्स ऑन, पहले हम यहाँ कर लें कैलकुलेट, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज तो वो है प्लस क्यू ई है, और हम यहाँ पर फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज कैलकुलेट करें तो माइनस क्यू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो डाइपोल पर नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स हमारा डाइपोल पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। ये डाइपोल पर नेट फोर्स आया है, कितना आया है, नेट फोर्स आया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, हमारा जो हेडिंग का एम है कि डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखो तो आप टॉर्क उस पर कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, टॉर्क कैलकुलेट करो। तो टॉर्क ऑन द डाइपोल, डाइपोल पर टॉर्क हम अगर कैलकुलेट करने चलें इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके में, तो अब देखो क्या होगा। तो ये वाला फोर्स इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ये फोर्स ऐसे रोटेट करना चाहेगा। तो हमें पता है कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो हम इस फोर्स से इसका, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा और ये कुछ हमारा, ये इस डाइपोल का सपोज कर लेते हैं कि ये है एक्सिस जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, और ये डाइपोल। डाइपोल का आपको एक चीज़ और पता होगा कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ
जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। तो मैग्नीट्यूड तो हमने ये बता दिया, डायरेक्शन इसका होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका डायरेक्शन होता है। तो ये हमारा हो गया पी का डायरेक्शन, और ये हमारा हो गया ई यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस क्या बोलते हैं मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि एंगल थीटा है और ये हमारी लाइन है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो कर रही है, ये एंगल थीटा है, तो आप यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो ये इसका नाम दे दें, हम इसका कोई नाम दे दें, ये ओ है, इसको मैंने पहले ही कह दिया था कि ये ओ है, देखना ध्यान से, ये ओ है और ये ए है, इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो एम। तो आप यहाँ पर अगर साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा के हिसाब से कितना आने वाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए एम, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है और ये ए है। तो हमने ये कहा कि ये ए है, ये कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बाई टू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा और ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, यानी कि ए एम इज इक्वल टू ए बाई टू और साइन थीटा हो गया। ध्यान देना इस बात को, थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तो हमको ये मालूम हो गया कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, ये ए से एम तक की वैल्यू, ये ए बाई टू और साइन थीटा है, ये कितना है, ए बाई टू साइन थीटा है। अब अगर मैं देखूं तो ये ए एम जो है ना, ये एम एन का जस्ट आधा है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए एम जो है वो एम एन के बराबर है, ए की बराबर है। आप चाहो तो इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, और या फिर ये थीटा है तो ये थीटा है, पूरा साइन थीटा आप लगा ही सकते हो। यहाँ पर देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो आप इसका, इसको आप मान रहे हो ए और ये मान रहे हो परपेंडिकुलर, तो ए साइन थीटा पूरा का पूरा आ ही जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एम एन भी कितना आ जाएगा, ए बाई टू साइन थीटा आ जाएगा, और पूरा का पूरा ए एन कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन और प्लस एम ए हो जाएगा। और फिर एम एन की वैल्यू भी ए साइन थीटा है यहाँ से थोड़ा सा, और एम ए की वैल्यू भी ए बाई टू साइन थीटा है, दोनों को ऐड करोगे तो ए साइन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब आपने ये चेक कर लिया कि परपेंडिकुलर दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एन ए साइन थीटा आ गया। इस ए एन को मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, जो कि ए साइन थीटा आ गया है, कितना आ गया है, ए साइन थीटा आ गया है। चलो अब आ जाते हैं टॉर्क ऑन द डाइपोल पर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू, बेटे फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के बीच मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क मिल जाता है। और याद रखना कि इस टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इट हैव मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स, हमारे पास फोर्स जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा कोई भी एक फोर्स यहाँ से ले लेना, कोई भी एक फोर्स ले लेना, दोनों में से कोई भी एक फोर्स, टॉर्क जो होता है कि पेयर ऑफ फोर्स में से कोई भी एक फोर्स और उन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये एफ याद रखना नेट फोर्स नहीं होता है, ये होता है कि पेयर ऑफ फोर्स में से कोई एक फोर्स होता है और आर परपेंडिकुलर होता है। तो कोई एक फोर्स में क्यू ई, और ये फोर्स कैसा है, यहाँ पर कोई ये मैकेनिकल फोर्स नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और अगर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा क्यू ई होगा, कितना होगा, क्यू ई होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू द चार्ज होता है,
तो जब ड्यू टू द चार्ज होता है तो इसका ड्यू टू द चार्ज होता है तो इसका यही आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई ही आएगा। और यहाँ से आर की जो वैल्यू है, हमने यहाँ पर ए साइन थीटा कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, ए साइन थीटा कैलकुलेट किया, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल ए कर लो और ई इंटू साइन थीटा कर लो, और टॉर्क इज इक्वल टू ये बनेगा हमारा पी, यहाँ पर देख लो ये पी बनेगा, तो ये पी हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। और टॉर्क हमने आपको बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं कहूँ कि ए क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो दो दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर वेक्टर प्रोडक्ट देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ से ऐसे ही मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी पी है और एक वेक्टर क्वांटिटी ई है। ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बात हमेशा बताना पड़ेगा आपको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर, तो थीटा एंगल बिटवीन पी एंड ई है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड ई है, पी और ई के बीच का एंगल है। और याद रखना कि टाऊ अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया कि पी और ई साइन थीटा है, डायरेक्शन कौन बताएगा, तो डायरेक्शन हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल बताता है, कौन बताता है, राइट हैंड स्क्रू रूल बताता है, स्क्रू रूल बताता है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल का भी हम डिस्कशन करेंगे अभी, तो इसका डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल बताता है। और इस ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा, अगर हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलो ये वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, तो हम इसके डायरेक्शन पर भी बात कर ही लेते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल में ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या होता है कि किसी स्क्रू को जब आप घुमाते हैं, आप किसी स्क्रू को घुमाते हैं तो थंब हम देखते हैं कि वो पॉइंटेड होता है उस ओर जिधर स्क्रू क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो थंब उस ओर मान लो पॉइंटेड कर रखा है, तो ये हैंड को आप ऐसे कर्ल करते हो, अपने हैंड को कर्ल करते हो, तो मान लो हैंड आपका पहले शुरुआत में ऐसे रहा होगा, तो जब शुरुआत में ऐसे यहाँ रहा होगा तो इसको बोल देते हैं कि ये ए है, और जब कर्ल करते करते इस सिचुएशन में आप अपनी फिंगर को ले आते हैं कर्ल करके, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, उस सिचुएशन को बी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ए सिचुएशन है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या बोल रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, और जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये पी वेक्टर है, और जिधर हम पी को लेकर आ रहे हैं, मतलब इस पी को मोड़ रहे हैं ना, इधर फाइनली अपनी फिंगर को हम कर्ल कर रहे हैं ना, तो हम जिधर लेकर आते हैं, जिधर लेकर आते हैं उसे हम बी बोल रहे हैं, वेक्टर बी बोल रहे हैं, और इसे वेक्टर ए बोल रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इस बी को बोल रहे हैं यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रहे हैं उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं उसको। और हम अपने इस फिंगर को जितना एंगल मोड़ते हैं इसको पकड़ने के लिए, इस स्क्रू को खोलने या बंद करने के लिए, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब अगर अपनी फिंगर को हम इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्क्रू कुछ इस तरीके से आगे ऐसे फर्दर बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, तो जिधर ये स्क्रू बढ़ रहा है उसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो उसका डायरेक्शन सी है, और यही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन है, यही हमारा किसका डायरेक्शन है, यही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन है। यानी टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मतलब ये। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया, इसी स्क्रू इसी जहाँ पर हैंड लगाकर बत सेट किया गया है, यहाँ पर इस तरीके से आप स्क्रू को भी समझ सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यहाँ पर ले लिया गया, और यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल है। और याद रखना कि यहाँ पर जो इसका रोटेशन है वो कुछ इस तरीके से रोटेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है,
और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो स्क्रू वो अपवर्ड बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, अपवर्ड बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर स्क्रू रूल सेट कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रहा है। तो आप घर पर भी स्क्रू लेकर आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो थ्योरी हम यहाँ बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट उस स्क्रू पर सेट हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छा टॉर्क कुछ ऐसा होता है। आप देखिएगा घर पर तो ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो हमने हमारा जो लेक्चर का एम था कि हम फोर्स बताएं और टॉर्क बताएं किसी डाइपोल पर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। लेकिन एक चीज़ हम और बता सकते हैं कि इस डाइपोल ने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट करना स्टार्ट किया तो इसको रोटेट कराने में वर्क कितना करना पड़ा, तो हम लोग वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस वर्क को कैलकुलेट करने से पहले कुछ और इसमें हम लोग इसके फार्मूले को लेकर एक डेटा देख लेते हैं, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू हमने क्या देखा कि पी ई साइन थीटा देखा। तो टॉर्क देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है। तो अगर मैं कहूँ कि टॉर्क हमारा थीटा पर अगर चेक करें तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, और इस कंडीशन में हमारा साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। अब टॉर्क अगर हम लगाएं तो पी साइन जीरो होता है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। हम दूसरी कंडीशन अगर लगाएं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम ये देखेंगे कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो पी ई आ जाएगा, और जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि टॉर्क को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस कंडीशन में उस पर कोई टॉर्क लगता ही नहीं है। इस कंडीशन में देखो, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। लोगों को लगता है कि लेक्चर की लेंथ इतनी बड़ी है तो इस लेक्चर को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसमें क्या ही बता दिया होगा टीचर ने, तो वो स्किप कर जाते हैं और ऐसे वीडियो को देखते हैं जो बहुत छोटा होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये लेक्चर इतना लेंथी नहीं होना चाहिए, मतलब आधे घंटा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको मैं यकीन होगा, आप देख रहे होंगे कि कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम पूरा ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसके बारे में। तो जब हमारा यहाँ पर डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारा डाइपोल है इस कंडीशन में है, तो इस पर टॉर्क जीरो लग रहा है। और देखो, टॉर्क जीरो लग रहा है इस पर, तो इस कंडीशन में है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, पी की जो वैल्यू है वो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और थीटा की वैल्यू जीरो है। थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो है। अब अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो पी ई और साइन जीरो लगा लें तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो मिल गई। लेकिन अगर मैं इसी डाइपोल को इस कंडीशन में रख दूँ और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अब डाइपोल मोमेंट आप देखोगे तो पी की वैल्यू कुछ इधर रहेगी और ई की वैल्यू कुछ इधर रहेगी। इस साइड में ई तो इधर ही रहेगा। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? 90 डिग्री हो गई है। और अब टॉर्क का फॉर्मूला आप लगा लो तो पी और ई और साइन 90 हो जाएगा और टॉर्क मैक्सिमम हुआ है। टॉर्क क्या हुआ है? मैक्सिमम हुआ है, जिसकी वैल्यू पी और इंटू ई है। टॉर्क मैक्सिमम हुआ है, ये वैल्यू हो गई है। तो ये हमने आपको दो कंडीशन बताया कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ठीक है? दोनों कंडीशन आई होप आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन चलो, हमारा लेक्चर तो यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तक आ गए हैं तो हम इस डाइपोल की को घुमाने में वर्क कितना किया जा रहा है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाई रोटेटिंग डाइपोल द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। वर्क डन बाई रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप याद रखना डाइपोल, ठीक है?
तो रोटेटिंग डाइपोल के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, तो उस वर्क डन का एक्सप्रेशन भी इसी में हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो देखो एक बात मैं बता दूं कि अगर आप इसको रोटेट करा रहे हो तो पता चला कि आपको आप इसको रोटेट करा रहे हो, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाकर आपको बता दूं कि किस तरीके से आप इसको रोटेट करा रहे हो। तो हो ऐसा ज़रूरी थोड़ा ही है कि 90 डिग्री से ही हमेशा रोटेट कराओ या 0 डिग्री से ही रोटेट कराओ। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि आप इसको किसी अदर एंगल पर भी, तो अगर ये डाइपोल ऐसे होगा तो ऐसे रोटेट करा सकते हो आप, किसी भी एंगल पर आप इसको रोटेट करा सकते हो और किसी भी एंगल से रोटेट करा सकते हो, ऐसा भी तो है। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप जब इस डाइपोल को रोटेट करा रहे हो, इस डाइपोल को रोटेट करा रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो थीटा वन से लेकर थीटा टू एंगल तक रोटेट करा रहे होगे, ये हम मान रहे हैं। और यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रहा है, और रोटेशनल मोशन में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो रोटेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है बेटे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर रोटेशनल मोशन है, ये प्योर रोटेशनल मोशन है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। प्योर रोटेशनल मोशन है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना होकर उसमें क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डी थीटा कहते हैं। और इस कंडीशन के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करें, तो वर्क डन हमारा थीटा वन से हम थीटा टू तक इसको रोटेट करा रहे हैं। तो और याद रखना कि रोटेशनल मोशन में जो काम लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का होता है, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का होता है, लीनियर मोशन में जो काम किसका होता है, फोर्स का होता है, ठीक रोटेशनल मोशन में वो काम किसका हो जाता है, रोटेशनल मोशन में वो काम किसका हो जाता है, टॉर्क का हो जाता है, किसका हो जाता है, टॉर्क का हो जाता है। तो अब हमारा जो वर्क डन का फार्मूला इस वाले केस में बनता है W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, और इस वाले केस में लेकिन वो फार्मूला क्या हो जाता है, एफ इंटू डी थीटा हो जाता है, रोटेशनल मोशन है इसलिए डी थीटा हो जाता है, एफ की जो वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, सॉरी एफ कह रहे हैं, टॉर्क टाऊ हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा फार्मूला। तो अब हम यहाँ पर टाऊ डी थीटा हो जाएगा और W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा वन और थीटा टू, और टॉर्क की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे कितना होगा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा होगा, और पी भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लो और हमारे पास थीटा वन थीटा टू और यहाँ पर साइन थीटा और डी थीटा, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा को क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा वन और थीटा टू हो जाएगा, और फिर W इज इक्वल टू पी और इंटू ई, और साइन थीटा का हो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस थीटा टू, और माइनस और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस कॉस थीटा वन हो जाएगा, और W इज इक्वल टू पी ई और कॉस थीटा वन और माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा वर्क डन तक हम आ गए हैं तो हम एनर्जी भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं, इस टॉर्क को घुमाने में कितना वर्क डन किया गया है, तो एनर्जी भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस, याद रखना माइनस, और ये होता है टाऊ और डी थीटा हो जाता है। वर्क डन का जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, लेकिन अब सुनो कि ये टॉर्क किस कंडीशन में रहना चाहेगा, क्योंकि हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है और एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मालूम होना चाहिए, डिफरेंस पॉइंट मालूम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो कोई भी सिस्टम नेचर में एग्जिस्ट करता हो तो वह अपने मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, और अगर हम मिनिमम एनर्जी देखें तो मिनिमम वर्क डन जहां होगा वहां मिनिमम एनर्जी भी हो जाएगा, और अगर यहां पर देखें
तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू जीरो रखते हैं, जबकि ये डायरेक्शन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस डायरेक्शन में जब डाइपोल रहता है तो उसकी मिनिमम वर्क डन करना पड़ता है, या कह सकते हैं मिनिमम इनर्जी होती है। तो अगर हम इस रिफरेंस पॉइंट को देखें कि इस कंडीशन में हमारा क्या है, मिनिमम इसका कंडीशन है कि जीरो होने का, मतलब कि रुकने का डाइपोल का, तो हम क्या करेंगे। और मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है, मैक्सिमम यहाँ पर है। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें, मैक्सिमम नहीं, मतलब मेरे कहने का ये है, एक मिनट रुको रुको रुको, कहीं उल्टा तो नहीं बता दिया। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो इस कंडीशन को रख कर देख लेते हैं, कि इस कंडीशन को मैं रख कर देख लेता हूँ कि 90 से, पहले रख कर देख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कि 90 से और थीटा एंगल तक घुमा रहे हैं इसको, 90 से थीटा एंगल तक घुमा रहे हैं, और माइनस हो जाएगा, और 90 से थीटा एंगल तो घुमा रहे हैं, टाउ की जो वैल्यू होगी वो पी ई साइन थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा, और फिर हम पी ई को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, और 90 हो जाएगा और थीटा हो जाएगा और साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा, और यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई, और साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और 92 थीटा हो जाएगा माइनस पी इंटू ई, और अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो ये कितना हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर आप जीरो की जीरो डिग्री रखो, कि आप ऐसा एज्यूम करो कि पी जो है वो ई की ही डायरेक्शन में है, पी ई की ही डायरेक्शन में है, क्योंकि हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पी डॉट ई भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ये वैल्यू देखो मैक्सिमम हो जाएगी। तो एनर्जी किसी भी चीज़ की अगर यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है देखो, और यू की मिनिमम कब होने वाला है, जब आप पी और ई की वैल्यू, पी ई और साइन कितना, कॉस कितना रखोगे आप, कॉस थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो 90, और यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये डाइपोल उस डायरेक्शन में रहना ज़्यादा पसंद करेगा जिस डायरेक्शन में इसकी एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो अगर एनर्जी मिनिमम की कंडीशन में रहना ज़्यादा पसंद करेगा तो तभी हम इसकी लिमिट 90 से कितना ले लिए, थीटा ले लिए, तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में बेसिकली क्या क्या कैलकुलेट किया, एक बार वो आपको मैं वो आप आपसे मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया इस लेक्चर के अंदर। मैंने कैलकुलेट क्या किया, सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट किया जो कि जीरो आया, फोर्स कैलकुलेट किया जीरो आया। टॉर्क कैलकुलेट किया मैंने जो कि पी क्रॉस ई आया, या पी ई साइन थीटा आया, ठीक, ये फर्स्ट हमारा था। और सेकंड हमने ये डिस्कस किया। थर्ड हमने क्या डिस्कस किया आपसे, कि इस पर वर्क डन कितना होता है, और वर्क डन आया पी ई और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमने कैलकुलेट किया, ये वर्क डन, ठीक है। और फोर्थ हमने क्या क्या आपसे डिस्कस किया, फोर्थ हमने आपसे डिस्कस किया, फोर्थ पॉइंट आपसे डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जो कि कितनी आई, पी ई कॉस थीटा आया, ठीक है। ये तो इस लेक्चर में बड़ा ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएटेड, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है यही है, सेम पॉइंट यही है, सेम डिस्कशन यही है, लेकिन वो कुछ दूसरे व्यू में है, यही फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन, बस क्या लगने वाला है वहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जादू वाला एकदम लेक्चर होगा, जिसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा डाइपोल से रिगार्डिंग, कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो फोर्स एंड टॉर्क ऑन आ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।